हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाविकास किचन क्लासेस। मैं हूँ भाविका चावला। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट केक, एंड उसके साथ हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी वाइट चॉकलेट की ग्लेज। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना रेड वेलवेट केक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है ये एक बोल, एंड इसमें मैं डाल दूंगी, ये मैंने लिया है 1 कप मिल्क, और ये थोड़ा सा गर्म है, यानी कि वार्म मिल्क है, बिल्कुल ठंडा नहीं है, हल्का सा गर्म दूध है। और इस गर्म दूध में मैं डालूंगी, ये है मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर, ये मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून। देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी ये एप्पल साइडर विनेगर, और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं दूध एकदम से फट गया, और ये हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने लिया है ये बोल और ये छलनी, बिकॉज हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के डालने होते हैं। और ये मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके मैंने लिया है बेकिंग सोडा, ये मैंने लिया है कोको पाउडर, और ये है बाय क्वांटिटी 2 टेबलस्पून, एंड 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम छान लेंगे। छानने के बाद इन्हें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, एंड फिर हम इसे रख देंगे साइड में। इस बटर मिल्क में अब मैं ऐड करूंगी, ये मैंने लिया है 1/3 कप ऑयल, ये देखिए इस पर लिखा ही होता है 1/3 कप, इतना आपको ऑयल लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। तो पहले मैं डाल रही हूँ ये 1/2 कप, प्लस ये मैं डालूंगी 1/4 कप, 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगी हमारी 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि ये जो मिक्सचर है कुछ फटाफटा सा है, तो एगलेस बेकिंग में ये होता ही है। जैसे ही आप इसमें मैदा मिक्स करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तब आपको वो बैटर फटा हुआ सा बिल्कुल नहीं दिखेगा। एंड अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, तो जो चाइनीज कुकिंग में हम वाइट विनेगर यूज करते हैं उसे भी आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं अपनी बेकिंग में ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। अब इस ड्राई मिक्सचर को मुझे इस वेट मिक्सचर में ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हम करते हैं अपने OTG को प्रीहीट। तो चलिए मैं आपको प्रीहीटिंग की सेटिंग्स दिखाती हूँ। सो ये देखिए, मैंने OTG को प्रीहीट होने के लिए रखा है 180 डिग्रीज पर। मैंने रखा है टॉप एंड बॉटम रॉड ऑन, फैन ऑफ है, और मैंने इसे रखा है 15 मिनट्स के लिए। अब मैं ये डोर बंद कर देती हूँ। इन दोनों को मिक्स करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड फूड कलर, ये स्पेशली रेड वेलवेट केक के लिए ही मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, देखिए इस तरीके से मिलता है रेड वेलवेट फूड पाउडर कलर, स्पेशली रेड वेलवेट केक के लिए ही होता है। अब इसे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा रेड कलर आ चुका है। देखिए रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो कलर डालना तो कंपलसरी है, उसके बगैर तो कलर आएगा ही नहीं। अब मैं इसमें डालती जाऊंगी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, एंड इसे मैं मिक्स करती जाऊंगी।
अब फाइनल पार्ट भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अगर आपको ये मिक्सचर ड्राई लगे मिक्स करने के बाद, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मिक्स करने के बाद ये बैटर मुझे काफी ड्राई लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप मिल्क, और मैं ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी ताकि जब तक मुझे प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिले। सो ये देखिए, अराउंड 1/2 का भी मैंने 1/2 ऐड कर दिया है, यानी कि 1/4 कप मैंने ऐड किया है। अब इसे हम मिक्स करते हैं। सो ये देखिए, मैंने जो 1/4 कप मिल्क डाला था, उसके बाद मिक्स करने के बाद कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है, और ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, एंड ये है ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए, ये परफेक्ट हमारी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है। तो 1 कप दूध जो मैंने पहले डाला था बटर मिल्क बनाने के लिए, एंड उसके बाद कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने डाला है 1/4 कप मिल्क। ओके, सो अब हमारा ये बैटर हो चुका है रेडी। अब इसे हम डालेंगे केक टिन में। सो यहाँ पे मैंने लिया है ये बंट मोल्ड, और इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, एंड उसके बाद इसके ऊपर मैदा छिड़क के अच्छे से, मैदा भी मैंने इसके ऊपर डस्ट कर लिया है। और ये है 8 इंचेस का बंट मोल्ड। अगर आप बंट मोल्ड में नहीं बनाना चाहते तो आप स्क्वायर में, हार्ट शेप में, राउंड में बना सकते हैं, लेकिन उसका साइज होना चाहिए 8 इंचेस। ओके, तो ये जो बैटर है ये मैं इसमें डाल दूंगी। बैटर डालने के बाद इसे अच्छे से आपको टैप करना है। ये देखिए, ये जो कलर है ये काफी अच्छा रेड कलर आया है, एंड रेड वेलवेट का कलर ऐसा होता ही है। और मैंने इसमें जो कलर डाला है वो मैंने अराउंड 3/4 टीस्पून तक डाला है। अगर आप कम चाहें तो आप 1/2 टीस्पून इसमें रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो चलिए अब हम इसे डालते हैं बेकिंग के लिए। आइए हम देखते हैं इसकी बेकिंग सेटिंग्स। सो ये देखिए, मैंने केक टिन को रखा है मिडिल रैक पर, आप देख सकते हैं, एंड मैंने इसे रैक पर रखा है, बेकिंग ट्रे पे नहीं, इस रैक पे आपको रखना है, और वो भी मिडिल में इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैंने टेम्परेचर रखा है 180 डिग्रीज, और अब मैंने रखा है सिर्फ लोअर रॉड ऑन, बेक मोड ऑन, फैन ऑफ है, और टाइमिंग मैंने रखा है 35 मिनट्स के लिए। ओके, तो चलिए मैं अब इस डोर को बंद करती हूँ। ये देखिए, नीचे की रॉड जो है इग्नाइट हो रही है, बिकॉज केक बेकिंग में आपको सिर्फ लोअर रॉड की ही जरूरत पड़ती है, अपर वाली आपको जरूरत नहीं होती है केक में, अदरवाइज आपका जो केक है वो रेड के बजाय उसका कलर डार्क हो जाएगा। तो मैं अब इस डोर को बंद करती हूँ, एंड इस केक को अब हम बेक होने देते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बेक हो चुका है परफेक्ट 35 मिनट्स में। ये इतना मजेदार बेक होकर रेडी हो गया है। अब इसे मैं रख दूंगी वायर रैक पर ठंडा होने के लिए। अब इसे इसी पर छोड़ देंगे आधे से एक घंटे के लिए, ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। इसमें आपको टूथपिक डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं साइड से, देखिए बिल्कुल साइड्स इसने छोड़ दी है, तो ये भी एक साइन है कि आपका केक जो है वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, जब ऐसे साइड्स वो छोड़ देता है। तो इसे पूरा तरीके से हम ठंडा होने देंगे, एंड हम बनाएंगे इसकी एक मजेदार सी फ्रॉस्टिंग, और उस फ्रॉस्टिंग को हम डालेंगे इसके ठंडा होने के बाद। तो चलिए बनाते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग। सो फ्रेंड्स, फ्रॉस्टिंग के लिए हम बनाएंगे व्हाइट चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम्स व्हाइट चॉकलेट, और 50 ग्राम्स मैंने ली है अमूल की फ्रेश क्रीम।
एंड मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। अब इस मिक्सचर को मैं माइक्रोवेव करूंगी 30-30 सेकेंड्स के बैच में और इस गनाश को रेडी करते हैं। सो ये देखिए मैंने इसे माइक्रो कर दिया है, लेकिन अभी ये है काफ़ी गर्म और इसे हम रख देंगे अराउंड 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा सेट होने के लिए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, उसके बाद हम इसे केक के ऊपर पोर करेंगे। सो ये देखिए हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे डीमोल्ड करती हूँ। वाओ ये देखिए कितना इजीली ये डीमोल्ड हो गया और कितना मज़ेदार बना है हमारा रेड वेलवेट केक। सो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी व्हाइट चॉकलेट गनाश सेट हो गई है, तो मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाल दिया है। थोड़ी सी सेट हो जाएगी तभी आप इसे पाइपिंग बैग में डालिए, ताकि आप इसे इजीली इस तरीके से ड्रिजल कर सकें। फ्रेंड्स मैंने ये जो रेड वेलवेट केक बनाया है इसमें मैंने कलर यूज किया है। अगर आप कलर यूज नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल पे स्ट्रॉबेरी केक का वीडियो है, उसमें मैंने रेड वेलवेट केक को बीटरूट की प्योरे से बनाया है, तो आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। इसके ऊपर डाल दूंगी मैं ये कुछ स्प्रिंकलर्स। सो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मज़ेदार सा केक रेडी है। मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना स्पॉन्जी बना है ये। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रेड वेलवेट केक अंदर से कितना मज़ेदार टेक्सचर आया है इसका, और इस गनाश के साथ खाने से तो ये और भी यम्मी लगने वाला है। कितना स्पॉन्जी है ये।